अंग से आ अंग मिले आ अरमा खिल गए। 24 फरवरी 2018 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। टीवी पर न्यूज लगाते ही पता चला कि बॉलीवुड के चांदनी श्रीदेवी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। श्रीदेवी की मौत आखिर कैसे हुई, ये रहस्य आज भी बना हुआ है। दुबई पुलिस ने मौत की जांच करके उनके शव को भारत भेज दिया था। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि एक्ट्रेस की मौत पानी में डूबने के कारण हुई, लेकिन सवाल ये था कि आखिर श्रीदेवी बाथरूम के बाथटब में गिरी कैसे, और गिर भी गई तो वो उसमें डूब कैसे गई। ऐसे कई सवाल है जिसने श्रीदेवी की मौत को रहस्य बना दिया। श्रीदेवी की मौत को अभी कई साल हो गए हैं। अब जाकर श्रीदेवी की एक ऐसी बीमारी के बारे में पता चला है जिसे उनकी मौत का कारण बताया गया है। हाल ही में दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की जीवनी श्रीदेवी द एटर्नल गॉडेस के लेखक सत्यार्थ नायक ने एक्ट्रेस की एक बीमारी के बारे में खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि श्रीदेवी को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। जब उनका ब्लड प्रेशर लो होता था तो वो बेहोश हो जाती थी। ये बात उनके बेहद करीबी लोग ने बताई है। एक अखबार के साथ इंटरव्यू में सत्यार्थ नायक ने आगे बताया कि श्रीदेवी के बारे में मैंने जब पंकज परासर और नागार्जुन से बात की थी तब मुझे पता चला कि उन्हें रक्तचाप की समस्या थी। पंकज परासर ने श्रीदेवी की फिल्म चालबाज को निर्देशित किया था। पंकज और श्रीदेवी के बीच अच्छे रिश्ते थे। पंकज ने कहा था कि जब वो इन दोनों के साथ काम कर रही थी तब वो कई बार बाथरूम में बेहोश हो गई थी। इस बात को कंफर्म करने के लिए सत्यार्थ नायक ने श्रीदेवी जी की भतीजी महेश्वरी से मुलाकात की। इस बात की पुष्टि उन्होंने की। उन्होंने कहा कि वो इस बीमारी के कारण कई बार बेहोश होकर गिर चुकी थी और गिरने के बाद उनके चेहरे से खून निकल रहा था। ऐसा ही शायद उस रात हुआ हो। आपको बता दें कि इससे पहले केरल के एक डीजीपी ने श्रीदेवी की मौत पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि श्रीदेवी की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या था। उनके इस बयान के सामने आने के बाद श्रीदेवी के पति बोनी कपूर पर उंगलियां उठने लगी थी। 24 फरवरी 2018 की रात 54 ईयर्स की श्रीदेवी की लाश दुबई के एक होटल में बाथटब में डूबने से हुई थी। ऐसे ही ताज़ातरीन खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।